गुड मॉर्निंग यू ऑल। पीछे मम्मी अम्मे हम सब लोग रेडी हैं एंड बाकी लोग भी अंदर हैं। सो आज सारी फैमिलीज हम सब लोग मिलके स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से 2.5 आवर का वे शायद है ना। आगे गाड़ी आ रही है, मैं हट जाती हूँ। एंड अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी देन हम लोग जाएंगे। एंड हम कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं एंड अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:15। एंड चलते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे एंड देन स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जाके मिलते हैं। एंड मैं आऊँ किसी ट्रिप में और मेरे साथ कुछ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने हल्की सी लग गई है तो आज हम वापस हमारे चप्पलों में आ गए हैं। Here we are at the world's tallest statue, which is the statue of Sardar Vallabhbhai Patel, also known as the Statue of Unity. So, फिलहाल अभी हम दूर से फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे एंड अब हम लोग जा रहे हैं पास में। आई मीन अंदर जाने का भी ऑप्शन है शायद, तो हम लोग जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ से क्या, आई मीन बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। 2-3 दिन से तो काफ़ी बारिश थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। एंड अभी हम चलते हैं उधर एंड चल के क्लोजअप व्यू देते हैं। गुजरात में आए ना तो आप प्लीज़ यहाँ आए क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ये एक्चुअली नर्मदा नदी है और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये वाला, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत सुंदर जगह, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हैं। बहुत सुंदर, मेरे पीछे क्लाउड्स देखो मूर्ति के पास में कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर जगह है सच में, मतलब आप लोगों को वीडियो से शायद नहीं पता लग रहा होगा। वैसे मैं फ़ोन भी नया यूज़ ले रही हूँ, सैमसंग S22 Ultra, सो होप इसकी भी क्वालिटी अच्छी हो, बट स्टिल वीडियो जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करती है व्यू को। आप लोग खुद यहाँ आइए और जस्टिस लीजिए इस व्यू का, बहुत सुंदर जगह है। मैं अगेन सेइंग सो अभी हम लोग यूनिटी के पास में जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में। यहाँ भी बहुत धूप है बट हमने बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ क्लिक किए हैं एंड आई शो यू द पिक्चर्स इन द लास्ट एंड आई विल गो देयर।
कितना रिग्रेट हो गया मुझे यार, क्यों मेरे पैर में लगनी थी और मुझे स्लीपर्स पहननी थी। और इतनी सुंदर जगह है, सभी जगह की बहुत अच्छी फोटोज आ रही है। आई रियली रिकमेंड यू ऑल टू कम हेयर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो यार, हेयर वी आर एट द इनसाइड ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड एज यू कैन सी ओवर देयर वी हैव द सरदार सरोवर डैम, एंड टू पैनल्स आर ओपन एंड द वाटर स्प्रिंग, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड देयर इट इज रिटन स्टैचू ऑफ यूनिटी। And it's so beautiful. And yeah, we are in the inside of Statue of Unity, and we are on the 45th floor. So मैंने Statue of Unity के आके जहाँ से vlog चालू किया था वो जगह है जो almost ऐसे 1 kilometer दूर है, और वो जो हम सरदार सरोवर डैम देख रहे हैं वो यहाँ से 3 kilometer दूर है, एंड उसके पीछे का पानी भी दिख सकता है यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। एंड देन मैंने बीच में जहाँ फोटोज क्लिक करवाई थी, मैंने आपको इस जगह की अप्रिसिएशन दी थी, वो थी वो स्पॉट, एंड वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से 1 kilometer है, एंड नीचे नर्मदा रिवर है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड जो मैं यहाँ पर वहाँ पर सर्कल देख सकते हैं ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ने जो कोटी पहन रखी है ना, उसका सेकेंड बटन है, मैं नीचे जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। So these are the Vindhyachal range and these are the Satguda range. You know, state border ilaka hai Gujarat Maharashtra ka, abhi Vallabhbhai Patel ka statue na jo jacket pe, this is it for now. Ye back wala portion hai statue ke piche wala jahan se hum aaye the, wo ye wali road hai, and अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, एंड बहुत सुंदर है। मतलब मैं बार बार आप लोगों को इस व्लॉग में सुंदर सुंदर बोलती रहूँगी, लेकिन दिस इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी चलते हैं वापस नीचे, एंड नीचे चल के मैं आपको जो कोटी का बटन दिखाया था ना वो वाला दिखाती हूँ। सो ये स्टैचू का मिडल है, आई मीन बैक में खड़ी हूँ मैं अभी, बैक का सीन कुछ ऐसा है, बैक का कुछ इतना स्पेशल नहीं है, बट लेट्स गो इन द फ्रंट। ये पूरा मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग दिस इज़ स्टोन देन दिस इज़ नॉट, ये इसके लिए दुनिया भर से बेस्ट मेटल्स इकट्ठा किए गए थे। एंड इफ़ यू कैन सी ओवर देयर देन इट्स सरदार सरोवर डैम, एंड नाउ आई विल शो यू द टॉप। दिस इज इट फॉर नाउ, हम लोग अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं। हम लोग एट द फुट से भी थोड़ा नीचे आए हुए थे, यहाँ फोटोज वगैरह क्लिक करवाए थे, यहाँ से पूरी बिल्डिंग आई है, मैं फोटोज लास्ट में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ दिख रहा है आगे, एंड बिल्डिंग भी दिख रही है, एंड कुछ दिख रहा है, एक बार हम देख लो फटाफट से। So that is it for now. I'm gonna stop here क्योंकि मेरा फोन बहुत ज्यादा तप गया है, यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है आगे। तो आई वाज सेइंग यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, आई मीन 45 डिग्री अबव है यहाँ टेम्परेचर, सो आप सोच सकते हैं कितना है। मेरा फोन चार्ज भी नहीं है बिल्कुल भी, एंड बहुत ज़्यादा डिस है, सो आई विल व्लॉग लेटर।